हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से मुगल्स, जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं उसके किंग के लाइनेज को, हम यहाँ पर अकबर की बात करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो अकबर के शासन की हम बात करें तो शेरशाह सूरी का शासन इंपॉर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सिस्टम शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और शेरशाह सूरी एमपी से जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने रायसेन में पूरनमल, रायसेन को अटैक करा था और पूरनमल को यहाँ पर हराया था। यहाँ पर फोर्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, बहुत ही मेहनत लगी थी इसमें, तो इन्होंने यहाँ पर अटैक किया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो शेरशाह सूरी का मालवा से आपको कनेक्शन हमेशा याद रखना है कि उन्होंने रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, राजस्थान प्लस मालवा। यहाँ पर अकबर, अकबर ने हुमायूं के बाद, हुमायूं रिकैप्चर करते हैं दिल्ली को, और अकबर 14, बहुत ही छोटे थे जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो 14 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो इनको फर्स्ट आते ही यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फेस करना पड़ा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर बैरम खान जो है वो अकबर की देख रेख करते थे, बैरम खान वही इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, प्लस हेमू, हेमू यहाँ पर हिंदूशाही रूलर्स जो थे, अफगान रूलर्स जो थे वो एक हो गए थे और उनको लीड कर रहे थे हेमू। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पर बैरम खान जीत जाते हैं, हेमू की आंख में तीर लगता है और वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कॉन्क्वेस्ट देखा जाए तो अकबर की कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आते ही उन्होंने दिल्ली के आसपास का एरिया को कैप्चर करना चालू किया, जैसे कि एमपी और राजस्थान। एमपी में उन्होंने मालवा में राज बहादुर को 1560 से 1770 तक उन्होंने अपने आसपास एमपी और राजस्थान को स्ट्रॉन्ग किया, अपना वहां पर एस्टैब्लिश किया। फिर उन्होंने फर्दर मूव करते हुए गुजरात और बंगाल की तरफ मूव करना चालू किया। गुजरात को जीतने के बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था गुजरात को जीतना, तो यहां पर इन्होंने 70 से 80 में कभी गुजरात कभी बंगाल दोनों तरफ ही उन्होंने युद्ध लड़े हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा मूवमेंट था इनका, बहुत बहुत ही जल्दी गुजरात में पहुंच जाते थे और वापस दिल्ली में भी आ जाते थे। जब गुजरात और बंगाल उन्होंने कैप्चर कर लिया, तब उन्होंने ये देखा कि उज़्बेक का खतरा नॉर्थ की तरफ से बढ़ रहा है और ईस्ट में भी उज़्बेक हैं, तो पहले नॉर्थ और ईस्ट दोनों को यहाँ पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। तो 79 से 81 आप रखेंगे तो उज़्बेक जो कि नॉर्थ से आ सकते थे, कश्मीर और इधर के एरिया से एंटर हो सकते थे, प्लस वेस्ट की तरफ से, और ईस्ट में भी उज़्बेक सेटल हो गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने, अगर 84 कर दिया जाए तो कश्मीर को इन्होंने जीता। और फिर जब यहाँ पर इन्होंने अपने वेस्टर्न बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तब यहाँ पर ये दक्कन की तरफ मूव करते हैं, अहमदनगर। अहमदनगर एम्पायर दक्कन में बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो 1596 से 1600 तक ये अहमदनगर को कैप्चर करते हैं। तो इनकी कॉन्क्वेस्ट देखने के बाद हम ये देखेंगे कि बाबर, हुमायूं एंड अकबर। तो अकबर 13 साल 14 साल की उम्र में एम्परर बने, और पहले जो 56 और 70 तक इन्होंने इंडिपेंडेंट हो गए, ये बैरम खान से, बैरम खान से इंडिपेंडेंट हो गए, और फिर इन्होंने यहाँ पर सूरीज को और अफगान को हराने के लिए नेबर किंगडम्स, पहले मालवा, एमपी में मालवा और गोंडवाना दोनों पे ही आक्रमण करके पहले जीता उसको। और यहाँ पर इन्होंने अपने मिर्जा हाकिम जो ब्रदर थे इनके और उज़्बेक दोनों को ही यहाँ पर टैकल किया। तो हम देखें कि अगर 1560 में मालवा को जीतने के लिए आते हैं
अकबर ने फोर्स भेजी, बाज बहादुर, रानी रूपमती, मांडू, मालवा, धार डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है। तो आदम खान यहाँ पर आते हैं और आदम खान ने यहाँ पर कुछ अच्छा, यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ रानी रूपमती के साथ, और बाज बहादुर पहले भग जाते हैं और फिर बाद में हार जाते हैं, यहाँ पर आदम खान के सामने टिक नहीं पाते। तो बाज बहादुर यहाँ पे हार जाते हैं। मांडू मालवा 4 साल बाद 1564 में गोंडवाना, गोंडवाना में अटैक होता है जबलपुर वाला रीजन। तो असफ खान जो कि गवर्नर थे, असफ खान ये आते हैं मुगल गवर्नर थे ये ऑफ अलाहाबाद। तो इनकी फौज अलाहाबाद से इधर की तरफ एंटर करती है और जबलपुर वाले रीजन जो गोंडवाना रीजन है वहां पर रानी दुर्गावती बहुत ही ब्रेव थी और ये खुद एक राजपूत प्रिंसेस थी जो कि घर कटांगा गोंड में इनकी शादी हुई थी, गोंड एम्पायर में, जो कि बहुत स्ट्रांग थी। और ये खुद एक जो घर कटांगा रीजन थी, गोंड रीजन था, वो फर्टाइल एरिया था प्लस एलिफेंट, तो ये काफी एलिफेंट रिच था। तो अकबर को साउथ जाना था, तो यहाँ पर रानी रूपमती का गोंडवाना पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। अगर साउथ जाना है तो अब गेटवे ऑफ साउथ असीलगढ़ से था, तो यहाँ पर दोनों ही किंगडम इन्होंने स्ट्रांग रखी। ये जीतना बहुत जरूरी था अकबर के लिए। तो रानी दुर्गावती बहुत ही ब्रेव थी। यहां पर देखें अगर 1569 में, 1569 में हम देखें तो कालिंजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, यहां पर रामचंद्र को हराते हैं। रामचंद्र का यहाँ पर किंग थे यहाँ के 1969 में। तो कालिंजर यहाँ पर 1569 में अकबर लेते हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप से रणथंबोर में हल्दीघाटी का युद्ध भी होता है, मेवाड़ में मेवाड़, सिसोदिया, तो चित्तौड़। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप से युद्ध होता है, प्लस फिर यहाँ पर जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो गुजरात मूव करते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जीतते हुए वो, और अपना कैंपेन को आगे लेते हैं। और यहीं पर ही उनको मिर्जा हाकिम जो उनका भाई था वो भी परेशान करते हैं, तो वो उसको चेक करने के लिए जो कि मिर्जा हाकिम वेस्ट में काबुल और सिंध की रीजन को रूल करते थे। फिर ये अपना नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर और ये रीजन जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि मिर्जा हाकिम और उज़्बेक का जो बिरार खानदेश, और फिर ये अहमदनगर पे जाते हैं साउथ डेक्कन की तरफ, और यहाँ पर ये अहमद नगर जीतते हैं। और फिर बाद में सलीम जो है वो इनको विद्रोह करते हैं, उसको ये फाइट करते हैं। तो काफी लंबा इनका वो रहा है। अगर हम सिंपल एक डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर मिर्जा हाकिम उज़्बेक का खतरा बना हुआ था, तो यहाँ पर इन्हें ये टैकल करना था। प्लस अफगान बैठे थे गुजरात में, उज़्बेक, अफगान, अफगान्स, यहाँ पर भी उज़्बेक और अफगान्स, और यहां पर अकबर थे। तो साउथ मूव करने के लिए उन्होंने गोंडवाना और मालवा को जीता और अहमदनगर डेक्कन में एंटर होते हैं, गुजरात को जीत लेते हैं, अहमदनगर एंटर होते हैं, फिर सलीम के विद्रोह में फंस जाते हैं। फिर बस ये इतनी लंबी एम्पायर खड़ी करते हैं। अगर अकबर को पूरी तरीके से पढ़ना चाहे तो उनके नवरत्न, अकबर के नवरत्न उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लस उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो लेके आए थे, तो यहां पर मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने और राजपूतों को अपने साथ इंक्लूड कर लिया था। और आर्किटेक्चर पेंटिंग्स फतेहपुर सीकरी के बनने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप देखें एग्रियन, आगरा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आगरा फोर्ट इन्होंने भी तैयार किया करवाया था। आर्किटेक्चर में देखें तो के से आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी आगरा फोर्ट, और यहां पर इन्होंने जब गुजरात को जीता तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। ए से आप अलाहाबाद फोर्ट से याद रख सकते हैं कुछ, ये कुछ फोर्ट्स हैं। ये आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट था, वेस्ट मुस्लिम और इंडियन आर्किटेक्चर दोनों ही गुजरात स्टाइल यहाँ पर फॉलो कर रही थी, गुजरात एंड राजस्थान स्टाइल ऑफ। तो कॉन्क्वेस्ट को हमने देखा यहाँ पे, अकबर इज इंपॉर्टेंट, कॉन्क्वेस्ट इन एमपी देखा, इस तरीके से एमपी को जीता गया।